कर दोस्तों, एक बार फिर सब सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में सीन कुछ ऐसा है कि देख सकते हैं आप, अभी जो हम यहाँ पर बाजरे की बुआई कर रहे हैं और बाजरे की बुआई के लिए दोस्तों कल्टीवेटर से हम क्यारियाँ डाल रहे हैं। तो क्यारियाँ दोस्तों समतल करने का और पानी चलाने के लिए जो दोहरा बोलते हैं उसके लिए दोस्तों हमने कल्टीवेटर पर ही दो तरह के जुगाड़ किए हैं। वैसे तो दोस्तों आपको मार्केट में हैरो मिल जाएंगे जिससे कि क्यारियाँ भी समतल हो जाएंगी और जो पानी चलाने का रास्ता है वो भी उससे बन जाता है। लेकिन दोस्तों एक्स्ट्रा खर्चा ना करके कल्टीवेटर पे ही जुगाड़ करके हमारा काम हो सकता है तो वो अच्छा है, इससे आपका खर्च बच जाएगा। तो कल्टीवेटर में दोस्तों हमने किस तरह के जुगाड़ किए हैं तो चलिए दिखाते हैं। तो अभी दोस्तों इस साइड हमने क्यारियाँ डाल दी है और अभी दोस्तों कल्टीवेटर पर पूरा सिस्टम सेट है। तो इस तरह का दोस्तों आप देख सकते हैं सिस्टम हमने ऐड किया है। तो पहला तो दोस्तों ये वाला आप देख सकते हैं, इसमें एक लोहे का सरिया लगाया है 20 mm वाला। तो ये दोस्तों पीछे वाली जो एक साइड की टाइल छोड़ करके ये वाली टाइल पे इस तरह से होल किए हैं, जितनी गहराई पर हमें इस हाट को रखना होता है इस सरिया को, वहाँ हम इसको सेट कर सकते हैं। तो अभी हमने सबसे नीचे सेट किया है, इसको ऊपर करना चाहिए तो ऊपर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत से किसान भाई जो एंगल भी लगाते हैं और बहुत से किसान भाई कुछ अलग अलग तरह के जुगाड़ करते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें मिट्टी ज़्यादा फंसती है। इसमें दोस्तों मिट्टी के अगर ढेले भी हो तो इसके ऊपर होके निकल जाते हैं, तो ये वाला जुगाड़ सही सेट रहता है। और बाकी दोस्तों हमने और दूसरी तरह के जुगाड़ भी सेट करके देख लिए इस पर, लेकिन दोस्तों ये वाला सिस्टम इसमें परफेक्ट है। इससे दोस्तों आपकी क्यारियाँ बिल्कुल एक समान हो जाती है। आगे अगर आप क्यारियाँ डालते हैं जिससे कि स्टाइल के पास मिट्टी थोड़ी सी दरार पड़ जाती है, मतलब आगे की साइड से मिट्टी ले लेता है कल्टीवेटर, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी रहने पर जिससे कि दोनों साइड पानी चलता है। लेकिन दोस्तों इस रॉड के लगाने के बाद दोनों साइड से आपकी क्यारी बिल्कुल एक समान हो जाएगी। ये दोस्तों आपको साइड की टाइल से 4 इंच अंदर रखना है और उस साइड से भी इसी तरह 4 इंच अंदर रखा है हमने। और बाकी दोस्तों इसमें नट बोल्ट है, इसको ऊपर आप अगर यूज़ ना हो तो यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। और दूसरा वाला सिस्टम जो दोस्तों इसमें जो हम पानी चलाने के लिए बनाते हैं वो इसी में हमने सेट किया है। वो दोस्तों एक चादर तो हमारा बेड बनाने के लिए लगा है, दूसरा वाला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं और एक वहाँ पर वो होल है, और इसके लिए यहाँ पर हमने एक होल डलवाया है। तो दोनों साइड जिस साइड भी हमें बेड बनानी है उस साइड हम उसको सेट कर सकते हैं। तो अभी हम कल्टीवेटर पर ये चादर लगाते हैं और फिर यहाँ पर आपको बेड बना के दिखाते हैं, पानी चलाने का रास्ता बनाने वाले हैं। तो देख सकते हैं कल्टीवेटर के एक साइड हमने दोनों चादर जो उस साइड जो बेड डालने का जो चादर था वो एक साइड ही लगा दिया है, और इससे दोस्तों हम इस मेहर के पास जो है पानी बनाने का रास्ता बनाने वाले। तो ये जुगाड़ आप कल्टीवेटर पर कर सकते हैं। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर को, काम तो स्टार्ट हमारी करते हैं। क्यारियाँ जो है फाइनली कंप्लीट होकर तैयार हो चुकी है। तो देख सकते हैं ये हमने दोस्तों कल्टीवेटर के जो साइड में लगाए थे चादर उससे दोस्तों ये बनाया है। और बाकी दोस्तों क्यारियाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल कहीं पर भी हमने समतल नहीं किया है, बिल्कुल एक समान लेवल पे है। तो दोस्तों ये जुगाड़ आपको कैसा लगा कल्टीवेटर में? और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।